नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना मित्र सन ऑफ हिंदुस्तान। उम्मीद होगा मित्रों आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, पूरे सदन में एक ही नेता है पप्पू यादव, जो बिहार के लिए लड़ रहा है और छात्रों के लिए लड़ रहा है। जो पिछले दिन हमारे तीन दो बहन और एक भाई का जो दर्दनाक मौत हुआ बेसमेंट पे पानी अचानक आने से, तो सिर्फ इकलौता पप्पू यादव एक ऐसा नेता है जो बिहार की तानिया जो लड़की जो जिनकी मौत हुई है उसके लिए व्यक्ति इकलौता खड़ा है कि हमारे बेटी बिहार की बेटी को इंसाफ मिले। तमाम नेता लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं उन लोगों का सांप सूंघ गया क्या सूंघ गया है। लेकिन अक्सर यही होता है मेरे मित्र, जब गरीब घर का कोई मरता है ना तो कोई उसके लिए आवाज़ नहीं उठाता है, लेकिन एक इकलौता नेता जिसके छाती में दम है वो है पप्पू यादव। मैं तमाम पूर्णियावासी जनता को सलाम करता हूँ कि आपने एक शेर को चुना है और हमेशा ऐसे ही शेर को चुने और इसी शेर को चुने। यही वो व्यक्ति है जो हम लोगों के लिए लड़ सकता है और आवाज़ उठा सकता है। सुने इस वीडियो में किस तरह से वो सदन में गरज रहे हैं, अपने बिहारवासियों अपने तानिया के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। ऐसा ही नेता को चुने मेरे मित्र। ऐसा नेता को देख कर लगता है कि हाँ, हमारे समाज में भी एक व्यक्ति है जो हमारे साथ खड़ा है, हमारे दुख में हमारे सुख में। पहले इस वीडियो को देखें क्या उन्होंने बोला, ऐसा जज्बा होना चाहिए हमारे लीडर में। बाकी सब तो आते हैं जाते हैं वोट लेते हैं, बाकी कुछ मतलब नहीं है ऐसे लोगों को। क्यों बोलेंगे, सारे लोगों को तो चंदा मिलता है ऐसे तमाम कोचिंग से, ऐसे तमाम संस्था से जो बेसमेंट में चला रहे हैं जिसका कोई परमिट नहीं है, वहाँ स्क्रैप रखने की परमिट होती है, वहाँ पर लाइब्रेरी चला रहे हैं। इकलौता शेर पप्पू यादव जिंदाबाद, पूर्णियावासी जिंदाबाद, जो आपने शेर को चुना है। तानिया हमारे बिहार की बच्ची थी, हम अपनी बहन को बता देना चाहते हैं, मिडिल क्लास की एक बच्ची तानिया जिनकी मौत कल हुई है। हमारे कोचिंग अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं अध्यक्ष महोदय, एक बार घटना नहीं घटी है। बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता है, आप इसको संरक्षित करते हैं। सवाल इस देश की बच्ची का है, या केरल या बिहार, तानिया हमारे बिहार की बच्ची थी, हम अपनी बहन को बता देना चाहते हैं, मिडिल क्लास की एक बच्ची तानिया जिनकी मौत कल हुई है परसों। और मेरा आग्रह इसमें दो है, मैं ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आलोचना में, पूरे देश के बच्ची जो 60% बिहार के एसएससी यूपीएससी करने आते हैं या बाहर कोटा, लगातार हमारे कोचिंग अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं अध्यक्ष महोदय, एक बार घटना नहीं घटी है। बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता है, आप इसको संरक्षित करते हैं, लेकिन इस पर माननीय देव जी, इस घटना में जिस तरह से पानी उसमें गया, बच्चे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा वीडियो। आप तो विषय क्या है बता दो आप। मान्यवर, आपने भी देखा होगा वीडियो, आप क्या बोलना चाहते हैं? लगातार हमारे कोचिंग अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं अध्यक्ष महोदय, एक बार घटना नहीं घटी है, तो संरक्षित करते हैं, लेकिन इस पर माननीय देव जी कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा वीडियो। आप तो विषय क्या है बता दो आप। मान्यवर, आपने भी देखा होगा वीडियो, आप क्या बोलना चाहते हैं? अभी आपने जो वीडियो देखा पप्पू यादव को, जो लोकसभा में जो अपने मुद्दों को रखा और अपने बिहार के बेटी तानिया के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों का काम बनता है कि इस व्यक्ति को और हाथ मजबूत करें, ताकि यही व्यक्ति है जो हम लोगों को ऐसे शोषित व्यक्तियों से, ऐसे तमाम शासन प्रशासन से, तमाम गरीब लोगों के लिए अगर कोई लड़ता है तो सिर्फ पप्पू यादव जी लड़ते हैं। मैं पप्पू यादव को दिल से सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। और ऐसा नेता को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसका करेंगे मित्र, जो आएगा सिर्फ वोट मांगने वोट लेकर चला जाएगा, और हमारे घर में क्या बीत रहा है, हमारे परिवार के साथ क्या हो रहा है, हम लोग उस पर कौन बोलेगा। तमाम संस्थापक जो भी हैं कोचिंग जो चला रहे हैं बेसमेंट में विदाउट परमिशन का, अगर परमिशन भी है तो स्क्रैप के लिए होता है, ना कि उसमें स्टूडेंट को पढ़ाया जाए और उसमें लाइब्रेरी खोला जाए। पप्पू यादव एक ऐसा व्यक्ति है जो गरीबों के लिए लड़ता है और गरीबों के लिए आवाज़ उठाता है। मैं सलाम करता हूँ पप्पू यादव को और पूर्णिया वासियों को फिर से, आपने जो किया है ना वो सबकी बस की बात नहीं है। यहाँ तो लोग सिर्फ जातिवाद के लिए लोग को चुनते हैं अपने नेता को, और जब कुछ होता है तो सिर्फ पप्पू यादव व्यक्ति खड़ा रहता है और कोई नहीं खड़ा रहता है। सरकार से आग्रह करता हूँ, उस जो भी हमारे दो बहन और भाई मरे उनके परिवार को 5-5 करोड़ रुपया कंपनसेशन के तौर पर दें, और सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो।
वो दोनों मेरी बहन यूपीएससी की तैयारी कर रही थी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का। उसमें एक मेरा एक भाई भी था, जो दो बहन और मेरा एक भाई, हमारे ही देश का और हमारे बिहार की लड़की एक तानिया, ये तीनों सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। उनको क्या पता कि जो भविष्य में जो लोगों को गाइड करेगा, एक यूपी बनकर डीएम बनकर लोगों को दिशा निर्देश देगा, उनको क्या पता कि हम लोगों को ये लोग बेसमेंट में ही मुंहा देगा। कैसी सरकार, कैसी व्यवस्था, शर्म आती है ऐसी सरकार ऐसी व्यवस्था पर। इसमें केंद्र सरकार की भी गलती है, क्यों नहीं केंद्र सरकार इस पर अपना एजेंसी लगाता है और ऐसे संस्था, ऐसे तमाम संचालक और कोचिंग संस्थानों पर एक्शन लेता है। क्यों लेगा भाई, क्योंकि सब कुछ चंदा जाता है। उस तमाम माँ बाप पर क्या बीत रहा होगा जो अपना पेट काट कर अपने बच्चे को भविष्य को सुरक्षित कर रहा था दिल्ली में रख कर। राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट चलते हैं जहाँ पर स्टूडेंटों के साथ शोषित किया जाता है, फिर भी गरीब लोग मजबूरी के कारण अपने बच्चों को भेजते हैं कि अच्छा भविष्य मिलेगा, अच्छा पढ़ लिख कर कोई अच्छा कर जाएगा, एसपी बन जाएगा, डीएम बन जाएगा, एक अच्छा भविष्य मिलेगा, अच्छा समाज में नाम करेगा। उनको क्या पता था कि बच्चा का भविष्य वहीं खराब हो जाएगा, वो हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये सोचकर बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही दुख होता है कि ऐसे लोगों के साथ होता है। बड़े लोगों के साथ नहीं होता है, बड़े लोगों का बेटा कहाँ पढ़ता है भाई, वो तो अपना फाइव स्टार निशान जिंदगी जी रहा है। तमाम हमारे जैसे और आपके जैसे गरीब लोग वहाँ जाते हैं और पढ़ते हैं, हमारे बच्चे और हमारे भाई हमारी बहन, और ऐसे घटना के चपेट में आ जाते हैं। ऐसे लोगों को सुनिश्चित करे सरकार और इस पर कड़ी कार्रवाई करे और 5-5 करोड़ का कॉम्पनसेशन के तौर पर दे, और सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसा कभी भी किसी भी छात्र छात्राओं के साथ ना हो। ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है कि वहाँ पर स्टूडेंट को किस तरह से शोषित किया जाता है। 2000 के रूम को अनलीगल के तरीके से उन लोगों से 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपया लिया जाता है, छोटा छोटा रूम में 3x4 के खोली में रखा जाता है। क्या सरकार को मालूम नहीं है? तो सरकार क्यों बोलेगा, सबका अपना कट और कमीशन जाता है, इसमें सारे लोग इन्वॉल्व है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या केंद्र सरकार की हो, गलती भी है प्लस MCD की भी गलती है। क्योंकि सभी लोग के आँख के सामने इतना बड़ा मंडी चलता है, शिक्षा के नाम पर इतना बड़ा भौकाल बनाया जा रहा है, और लोगों के साथ और आम गरीबों के साथ, जो गरीब किसान अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं उन स्टूडेंट के साथ शोषित किया जाता है। समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं जो आकर कुछ भी भचर भचर बोलते हैं, तो क्या इस मुद्दा पर नहीं बोलना चाहिए उनको? मुंह में सांप सूंघ गया, सारे नेता मंत्री को तो सांप सूंघा ही है, आप ही लोग को सांप सूंघ गया है। तो आप लोग याद रखें, आज हमारे साथ है कल आपके साथ भी होगा। हाँ, फर्क यही है कि हमारे बच्चे के साथ हो कभी भी हो सकता है, आपके बच्चे से थोड़ा सा लेट से होगा क्योंकि आप लोग तो आलिशान बंगले में रख के पढ़ाते होंगे, जो भी नेता मंत्री आपके बच्चे होंगे। लेकिन याद रखिएगा, गरीब का अगर पेट काट कर अपने बच्चे को भविष्य के लिए अगर भेजा है और उसके बच्चे के साथ अगर गलत होगा, तो याद रखना तुम्हारे बच्चे के भी साथ गलत ही होगा, क्योंकि तुम जैसा करोगे ना वैसा ही रिजल्ट तुम्हें भी मिलेगा। आज मिले या कल मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए गरीबों को सताना बंद करें, और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा, अमित शाह जी से, कि प्लीज़ सर, आप पर्सनली इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, छात्र छात्राओं को शोषित होने से बचाएं। इन लोगों को शर्म तक नहीं आता है कि उन मासूम बच्चों से, उन गरीब बच्चों से जो 6 रुपये जो यूनिट 7 रुपये यूनिट बिजली का बिल है, इन बच्चों से छात्र छात्राओं से 15-16 रुपये ही लोग जबरदस्ती वसूलते हैं, ये कहाँ के जायज़ बात है? क्या सरकार को इसके बारे में पता नहीं है? सब पता है, वो सारे लोग आँख मूंदे हुए हैं। क्यों, वहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं, वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं, वहाँ के SSP क्या कर रहे हैं, वहाँ के लोकल जो भी थाना प्रभारी हैं या जो भी वहाँ सिस्टम अधिकारी है, क्या उन लोगों के आँख के सामने नहीं हो रहा है क्या? उन लोगों को सब पता है, लेकिन सबको कट जाता है तो क्यों बोलेगा भाई? सो प्लीज़ मेरे भाई, आप लोग ऐसे ही नेता को चुने, पप्पू यादव जैसा नेता को, जो आपके लिए सदन में लड़े, प्रधानमंत्री के सामने लड़े, हर एक लोगों के सामने लड़े, हर एक प्लेटफॉर्म पर लड़े, हर एक जगह लड़े और आपके साथ खड़ा रहे, चाहे दिन हो या रात हो, या गरीब या दुख हो या सुख हो, चाहे हर एक तरह से व्यक्ति हो, हर टाइम पर व्यक्ति गरीबों की मदद किया है, चाहे कोविड के टाइम हो या जो भी बहुत सारे घर में, किसी भी व्यक्ति के घर में कुछ ऐसा घटना घट जाता है, चाहे हॉस्पिटल हो या किसी भी रिलेटेड कोई भी काम हो, तो सिर्फ एक व्यक्ति नज़र आता है, पप्पू यादव। वो व्यक्ति जब पटना डूब गया था ना, तो व्यक्ति इतना इतना पानी में हेल कर लोगों को JCB पे बैठ कर मदद करता था, दूध और तमाम ऐसा बच्चों को खाना का पैकेट पहुँचाता था, और तमाम उन लोगों को। तो ऐसे व्यक्ति को तो हाथ मजबूत करें मित्र, जैसे पूर्णिया वासी अगर पप्पू यादव का हाथ मजबूत किए हैं ना, तमाम आप लोग अपने क्षेत्र में ऐसे ही नेता को चुने जो आपके लिए खड़ा रहे, बाकी सारे को भगाएं, अपने भाग जाएगा सब, दरवाज़ा बंद करिएगा, अपने भाग जाएगा ये सब। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे मित्र, ताकि तमाम वीडियो का अपडेट आप लोग के पास आते रहेगा। धन्यवाद मित्रों।